अगर आपको स्टॉक लाइक गूगल कैमरा का एक्सपीरियंस चाहिए तो इस जी कैम को ट्राई कर सकते हो आपके फोन के ऊपर। इस गूगल कैमरा के साथ जो है स्टॉक लाइक गूगल कैमरा का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा, यहाँ पर जी कैम 8.2 का जो DMGC वर्सन 5.0 जो है काफी स्टेबल गूगल कैमरा है। एंड यहाँ पर ये जो जी कैम इसे हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है MI2 डिवाइस के ऊपर। एंड ये जो गूगल कैमरा है, इस गूगल कैमरा का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जी कैम को डाउनलोड कर सकते हो आपके फोन के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान ये जो जी कैम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। सबसे पहले ये जो जी कैम 8.2 का जो बिल्ट है एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 के साथ काम करेगा। Xiaomi MI2 डिवाइस के साथ जो है एंड्रॉइड 12 के साथ ये जो बिल्ट है काम कर रहा है। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ गूगल कैमरा 8.2 का जो बिल्ट है यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो जी कैम है दोस्तों जी कैम 8.2.204 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। DMGC वर्सन 5 का बिल्ट है। ये जी कैम काफी स्टेबल है, काफी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देने को मिलेगा इस जी कैम के साथ। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं पर फीचर्स के बारे में, कौन कौन सी फीचर्स के ऊपर ऐड किए गए हैं। बेसिकली एक जी कैम तो एकदम जो जी कैम 8.2 का जो स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर OTA अपडेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एंड यहाँ पर कुछ कुछ बग भी देने को मिलेगा जो कि यहाँ पर इस जी कैम के साथ अवेलेबल है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, कौन कौन से ऑप्शन के ऊपर ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर नाइट स्लाइड मोड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर Xiaomi MI2 डिवाइस के साथ जो है नाइट स्लाइड मोड जो यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर जो है ऑटो का ऑप्शन है ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो व्हाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। फोकस के ऊपर जो है ऑटो नियर एंड फार का ऑप्शन है। जो इन्फिनिटी का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं है। एंड यहाँ पर जो एस्ट्रो मोड है काम करता है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर MI2 डिवाइस के साथ जो है एस्ट्रो मोड भी काम कर जाएगा, जो नाइट लाइट मोड है यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड के बारे में, तो यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो ऑटो नाइट स्लाइड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। फेस रिटचिंग के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर जो व्हाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जूम का जो ऑप्शन है काम करेगा, 1/7x का जो जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो एक्सपोजर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इसके साथ जो है ब्राइटनेस एंड शेडो को कंट्रोल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर ऑटो फोकस को जो लॉक करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर कैमरा के ऊपर जो है इसे भी ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ऐसे भी जो ऑप्शन है देने को मिलेगा। हमने जो है अलग से सीरीज मेनू से कोई भी ऑप्शंस को इनेबल नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर कैमरा के ऊपर जो है ऑटो नाइट स्लाइड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन है। प्लस मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। टॉप शॉट और लाइव फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें वीडियो के ऊपर जो है स्लो मोशन का ऑप्शन है, टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। वीडियो स्टेबलेशन के ऊपर स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम करेगा। अगर आपका डिवाइस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं तो इस जी कैम के साथ जो है 4K 60fps का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस गोल कैमरा के साथ जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम करेगा, काफी बढ़िया बात है। आपके डिवाइस को जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट होना चाहिए, तभी दोस्तों ये जी कैम काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर Xiaomi MI2 डिवाइस के साथ जो है 4K 30fps का सपोर्ट देने को मिलेगा, 4K 60fps का जो सपोर्ट है देने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो है 4K 60fps का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके डिवाइस को 4K 60fps का सपोर्ट है तो यहाँ पर इस जी कैम के साथ जो है 4K 60fps के साथ जो है ये जो गोल कैमरा है काम करता है, काफी बढ़िया बात है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें टाइम लैप्स के बारे में, तो यहाँ पर जो टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है काम करते हैं 1x 5x 10x एंड 30x 120x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है टाइम लैप्स के ऊपर जो है 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगेन अगर आपका डिवाइस 4K टाइम लैप्स को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर इस जी कैम के साथ जो है 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं तो यहाँ पर Xiaomi MI2 डिवाइस के साथ जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। स्लो मोशन फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर जो स्लो मोशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर Xiaomi MI2 डिवाइस के साथ काम करते नहीं देखते। तो यहाँ पर हमने 1/4x को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर MI2 डिवाइस के साथ जो है 1/4x के साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर Xiaomi MI2 डिवाइस के साथ 1/4x के साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर स्लो मोशन के साथ जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 1/8x को सिलेक्ट करने के बाद जो कुछ इस तरह से जो स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम करता है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर 1/8x 1/4x का जो ऑप्शन से काम करेगा। प्लस यहाँ पर जो है फ्लैश का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर पैनोरामा फोटो एक्सपर मोड का ऑप्शन है। फोटो एक्सपर मोड है, इस ऑप्शन को यूज करके आप सिंपली 360 फोटो को क्लिक कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर 360 फोटो को क्लिक करने के लिए जो फोटो एक्सपर मोड है इसे भी ऐड किया गया है जीकैम 8.2 के साथ। तो ये जो फोटो एक्सपर मोड है इस ऑप्शन को यूज करके आप सिंपली 360 फोटो को क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं पैनोरामा मोड के बारे में। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन से काम करते हैं, पोर्ट्रेट मोड, नाइट स्लाइड, कैमरा, वीडियो के ऊपर जो है 1x8x 1x4x के साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम करता है, यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस 4K 60 fps का जो ऑप्शन से काम करेगा। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करते हैं, काफी स्टेबल जीकैम है, आप डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई कर सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकैम का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वहां पर जाकर इस गोल कैमरा को ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। नाउ से बात कर लेते हैं सीरीज मोड के बारे में। तो यहाँ पर सीरीज मोड के ऊपर जो है क्या क्या ऑप्शन को ऐड किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो है सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा का जो साउंड है यहाँ से बंद कर सकते हो, गोवलनेस का जो शायशन है ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है जहां पर आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन से काफी बढ़िया है, इस ऑप्शन के साथ जो है आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को जो शेयर कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, गेस्चर्स का ऑप्शन है, सिंपली जो है आप यहाँ पर वॉल्यूम किस के साथ जो है फोटो को क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर देख पाओगे कितना मिनट का वीडियो कितना फोटोज को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद जो है जीकैम के साथ जब भी आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब मोड एनेबल करने के बाद। नेक्स्ट एवर बात कर लेते हैं एडवांस सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर जो है HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर HDR कंट्रोल प्लस रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से काम नहीं कर, बाय डिफॉल्ट जो है HDR कंट्रोल प्लस रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से एनेबल नहीं रहता, आपको अलग से एनेबल करना होगा। एंड यहाँ पर जो एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन से ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, तो यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एडवांस सेटिंग्स के ऊपर। एंड यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप के ऊपर जो है 3x3 4x4 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो है सेफ सेल्फीज एज प्रीव्यू जो मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। प्लस यहाँ पर ऑडियो जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बेसिकली ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है बैकग्राउंड के ऊपर जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑडियो जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नाउ सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं फोकस ट्रैकिंग के बारे में, तो यहाँ पर वीडियो के साथ जो है फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है। अगर बात करें अगर कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर फोटो के साथ जो है शायद फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम करता है। अगर बात करें पोर्ट्रेट मोड के बारे में, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से शायद काम करेगा। प्लस यहाँ पर नाइट स्लाइड मोड के साथ भी जो फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम करेगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, नाइट स्लाइड, कैमरे के साथ जो है फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम करता है, बट यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो है शायद काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पर नाइट स्लाइड मोड के साथ जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से हमने अलग से एनेबल किया है, तो यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता, आपको अलग से एनेबल करना होगा। एंड पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है HDR मोड का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। प्लस कैमरा की अगर बात करते हैं, कैमरे के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन से रॉ फोटोज का ऑप्शन से प्लस यहाँ पर मोशन फोटोज का ऑप्शन से यहाँ पर HDR मोड, HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। HDR मोड के साथ जो है मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम करता है, बट यहाँ पर HDR इनहांस मोड के साथ जो है मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर इस सीकम के साथ जो बहुत ही फास्ट आप फोटो को क्लिक कर सकते हो इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर कैमरा से पोर्ट्रेट मोड बहुत ही फास्ट आप स्विच कर सकते हो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन के ऊपर। एंड डेफिनेटली सीकम को यूज करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई एनेबल होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई एनेबल नहीं है तो इस सीकम में काम नहीं करेगा। यहाँ पर कैमरा टू एपीआई के ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट होना चाहिए, तभी इस तो HDR में काम करते हैं, वरना काम नहीं करते। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू एपीआई के ऊपर लेवल 3 फुल का सपोर्ट नहीं है तो HDR में काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 के साथ HDR में काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। गूगल कैमरा 8.2 का बिल्ड है एंड डेफिनेटली काफी स्टेबल एंड स्मूथ एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर इस GKM के साथ काम करता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस GKM का जो डाउनलोडिंग देने को मिलेगा वहां पर जाकर इस गोल कैमरा को डाउनलोड करके देखो। एंड अगर आपके डिवाइस के ऊपर HDR में काम नहीं कर रहा है, आप सिंपली जो गोल कैमरा का और कोई दूसरा वर्सन को ट्राई करके देख सकते हो। तो सिंपली GKM का जो
प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देखो। एंड गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्सन है जीकेएम 8.4.600 का जो बिल्ड है उसका जो रिव्यू है ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किया है। सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर जीकेएम 8.2 के साथ जो है गूगल कैमरा 8.4 जैसा जो मॉडर्न डिवाइस का जो सपोर्ट है देने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी है जीकेएम के साथ काफी बढ़िया है, एकदम जो स्टॉक लाइक गूगल कैमरा का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करेगा, पोर्ट्रेट मोड प्लस यहाँ पर फ्रंट कैमरा एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो फोटो क्वालिटी है, पोर्ट्रेट मोड का जो फोटो क्वालिटी है प्लस यहाँ पर जो नाइट स्लाइड मोड एस्ट्रो मोड का जो फोटो क्वालिटी है काफी बढ़िया है। ओवरऑल काफी बढ़िया यहाँ पर जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस जीकेएम के साथ। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्नैपड्रैगन डिवाइस के साथ एक जगह में काम कर जाएगा, एक्सिनोस एंड मीडियाटेक डिवाइस के साथ भी काम कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखो। बट यहाँ पर शामी एमआईडो डिवाइस के साथ जो है काफी बढ़िया स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिलता है, आप डेफिनेटली इस जगह को आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल करके देख सकते हो। डेफिनेटली कैमरा टू पे इनेबल होना चाहिए, कैमरा टू पे अगर इनेबल होगा आपके डिवाइस के ऊपर तभी तो इस जगह में काम करेगा। एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन डिवाइस के लिए इस जगह में काफी बढ़िया है, काफी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। तो अगर आपको एक गूगल कैमरा का स्टेबल बिल्ड आपके फोन के ऊपर अगर आपको एक गूगल कैमरा का स्टेबल बिल्ड चाहिए तो इस जीकेएम को ट्राई करके देखो, काफी स्टेबल एंड स्मूथ एक्सपीरियंस देने को मिलेगा इस गूगल कैमरा के साथ। एंड यहाँ पर ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड नहीं किया गया है, जो यूजफुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड अगर आपको और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन चाहिए आप सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है यहाँ पर जो स्टॉक लाइक गूगल कैमरा का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है पर अवेलेबल है, 8x तक जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है नाइट स्लाइड मोड के साथ। अगर बात करें वीडियो के बारे में तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो है यहाँ पर 8x तक जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है, इसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो जीकेएम 8.2 का डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देखो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।